हाँ भैया नमस्कार, मैंने हम आए गए हैं बनारस। बनारस में आए गए हैं, यह है मारवाड़ी युवक संघ में, बहुत बढ़िया कमरा है। देखो एसी उसी सब लाग है, देखो इतना लाग है। तो ये जो ना ये दमदार भैया रुकवाई ने हमका, और ये सलीम भाई जग्गू भाई हैं, और ये आनंद हैं, तुरंत जाने की हम आए हैं, तुरंत मिले आए हैं। तो आए हैं महामूर्ख कवि सम्मेलन में कविता पढ़े। जब दमदार बनारसी जी हमका फ़ोन किए, ये छोटे भाई दमदार बनारसी हैं, फोन किए तो कहें गुरु जो है तो का महामूर्ख कवि सम्मेलन में आपकी कविता पढ़ेगा है। तो अब भाई देखो बनारसी हम ज्यादा नाइस बोल पाए थे भोजपुरी, तो जितना बोल पाई उतना बोल जाओ, भावना समझ लियो। तो हम कहें गुरु ए बार मतलब महामूर्ख मा ओमा तो बहुत महंगे महंगे कवि आवत हैं, बड़े बड़े कवि आवत हैं। तो ये हमसे कहें कि नाई गुरु आवत हैं, लेकिन यही बार चुनाव में बिजी रह ली, तो कौनो जने चंदवे नहीं दिखली। तो अब के सब झंडुए झंडू बोला है। अब की सब झंडुए झंडू कभी बुलाया नहीं, कैसे करो झंडुए कभी बुलाए रहली, कैसे 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 अगर कहा जाए कि अब के सब झंडुए कभी बुलाए हैं। हाँ अब के सब झंडुए कभी बुलाए गए है। तो आ जा गुरु, अब हम आए हैं, पहुंचे हैं, और जो है चाय की एक दुकान पर, तो एक जो है चाय पत्तरी मतलब जो है हम कहें कि सीट उठ साफ कर देते, तो वो चाय वाले कहें क्या बड़का ढेर रंग बाज हवल का जाने थे, हाँ एकदम मूर्खे बाड़ा का। तो हम कहें ये कौन बात है, मान लो हम हन तो अलग बात है, लेकिन तुम कैसे कह दियो भाई, तुमका कैसे मालूम चला। वो भैया तुरंत अखबार निकाल के दिखाई, कहे इतने समझदार हो इतने, अब अपने भाषा में कहे बनारस भाषा में कि इतने तू समझदार हो इतने, तो यहाँ कब सम्मेलन पढ़े। महामूर्ख कब सम्मेलन, बहुत बढ़िया, बहुत मोहब्बत है, बड़ा अच्छा लगल हमके और आप सबके। सब झंडुए कभी बुलाए नहीं, एक बहुत बड़े कवि जो है हरदोई से आवत है, बहुत बड़े कवि अपने मान दोनों वीडियो देखिए, दोनों झंडू कभी झंडू जितने झंडू कभी है आपके सब झंडू है। अरे जब एक बात खुद है जान लो यार, जब हमका बुला लिए तब जान लो कितने बड़े बड़े कवि। अरे हम बड़े के मामले मतलब हाइट देख के बुला लिए तब तो ठीक है, 175 है पूरे। जय हिंद जय भारत।